दोस्तों ये कहानी दो ऐसे भाई बहन की है जो कि एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और दबा के संभोग करते हैं। जहाँ देखो वहाँ भटाभट जंगल में, पानी में, समुन्दर में भटाभट करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये दोनों इस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं। लेकिन यार तुम लाइक और कमेंट वाली है। मूवी की शुरुआत इन्हीं दो भाई बहन के साथ होती है जो कि एक दूसरे के कजन्स हैं और अपने पापा के साथ अपने घर को छोड़कर यूरोप जा रहे होते हैं। उसी बोट में एक पैडी नाम का नौकर भी खाना बनाने का काम करता था। वहीं वो दोनों भाई बहन वो देख रहे होते हैं जो आजकल हम देखते हैं। तभी पैडी उन्हें देख लेता है। वो कहता है ओम फोंट राटे काट दियो और उन्हें खूब मारता है। तो एमलीन पैडी को रोकने लगती है। अचानक उसी बोट में आग लग जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं। वहीं पैडी उन दोनों को लेके एक बोट में बैठ जाता है जहां बोट तैरते तैरते बीच समुद्र में आ जाती है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों पैडी को जगाते हैं और एक आइलैंड को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ना खाने को कुछ था ना पीने को। वहीं पैडी डुर्राटे काट के बोट मोड़ देता है जिससे वो सभी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर पैडी को अपने खाने का सामान मिल जाता है और सभी खा पीकर मौज ले रहे होते हैं। इसके बाद पैडी रिचर्ड को जंगल में सरवाइव मतलब रहना सिखाता है कि एक आदमी एक आइलैंड पर कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है। उसी रात पैडी को जोर जोर से आह आह की आवाज आ रही थी। वो उठकर देखता है जो कि वो आवाज आइलैंड के दूसरे साइड से आ रही थी। लेकिन अगले सुबह उसे रहा नहीं जाता, वो उस साइड देखने चला जाता है जहाँ वो एक मांस का टुकड़ा देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और रिचर्ड और एमलिन को वहां पर जाने से पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे रिचर्ड और एमलिन बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते जा रहे थे। जैसे अभी मौका मिले तो वो काम कर दें जो आजकल के लोग चाहते हैं अपनी बंदी से। लेकिन उन दोनों को इतनी समझ नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद एमलिन जब नहाने जाती है तो उसकी लाइफ का उसे पहली बार पहला पीरियड्स होता है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो रिचर्ड को आवाज देने लगती है लेकिन एमलिन को फील होता है कि ये ब्लड उस वजह से आ रहा है और वो रिचर्ड को वहां से जाने को कहती है। उसके बाद रिचर्ड एमलिन से पूछता है वो ब्लड कहां से आया था, कोई चोट तो नहीं लगी ना तुमको। जिस पर एमलिन कहती है मुझे कुछ नहीं पता। और यहीं से रिचर्ड को पता चलता है कि एमलिन मुझसे बातें छुपाने लगी है। और दूसरी तरफ एमलिन रिचर्ड के प्यार में पागल होती जा रही थी जैसे उसकी तितली हैंडपंप लेने को तड़प रही हो। वहीं रिचर्ड की एक आदत बन चुकी थी, जब भी एमलिन नहाने जाती थी तो वो उसको छुप छुप के देखता था और रात में वो डिनर करके बहुत मस्ती करते थे। अगली सुबह एमलिन जंगल में घूम रही होती है तो उसे एक भयानक सी आवाज आती है जिसे सुनते सुनते वो एक भयानक सी मूर्ति के पास पहुंच जाती है जिसमें से ब्लड निकलता है। ये देखकर एमलिन डरकर वहां से भाग जाती है और रिचर्ड को सब कुछ बताती है जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अगर अब की बार तुम कहीं गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसी रात एमलिन को एक सपना आता है जिसमें रिचर्ड समुद्र में डूब रहा होता है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। रिचर्ड को सामने देखकर एमलिन के प्यार में 500 घोड़ियों का प्यार आ जाता है। वहीं रिचर्ड भी अपने औजार को काबू में नहीं कर पाता और उसे किस करने वाला होता है लेकिन एमलिन उसे दूर करके सुला देती है, सोजा मुन्ना सोजा। लेकिन जब कामेच्छा की शक्ति जागती है ना तो बंदा बावला जाता है। रिचर्ड रात में फिर से एमलिन के पास जाता है, तभी एमलिन जाग जाती है और वो उसे भगा देती है जहाँ उन दोनों को कुछ पता नहीं होता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। अगली सुबह रिचर्ड जंगल में घूमने जाता है तो एमलिन कहती है कहाँ चला बे। तो रिचर्ड मन में सोचता है तुझे क्यों बताऊं, तू तो देगी नहीं। लेकिन एमलिन भी रिचर्ड के पीछे पीछे समुद्र के किनारे पहुंच जाती है जहां वो हैंडपंप नचा रहा था। उसे देखकर एमलिन कहती है ये क्या कर रहे हो। तो रिचर्ड कहता है निकल यहाँ से, रैप्ट दूंगा खींच के, और वो अपना मुंह लटका के चली जाती है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप को आते हुए देखता है जिसे देखकर वो घर पर भागते हुए आता है। दरअसल रिचर्ड ने संकेत देने के लिए लकड़ियों का ढेर जमा कर रखा होता है, जैसे उन्हें कोई इंसान दिखे वो लकड़ियों के ढेर को जला के उन्हें बुला सके। तो रिचर्ड एमलिन से कहता है तुमने भी बोट को देखा था तो तुमने लकड़ियां क्यों नहीं जलाई, जिससे रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। दोस्तों एमलिन यहां पर घुल मिल चुकी थी, उसका यहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन रिचर्ड को वहां नहीं रहना था और वो एक बोट बना के वहां से जाने लगता है।
वहीं एमलिन भी सोचती है जा बेटा जा कोई नहीं, लेकिन तभी रिचर्ड की नाव टूट कर समुद्र में डूबने लगती है, जिसे देखकर एमलिन काफी खुश होती है और हंसने लगती है। और जब रिचर्ड वापस आता है तो वो उसका मजाक बनाकर हंसने लगती है। वो कहती है मुझे पता है बेटा तुम समुद्र के किनारे क्या करते हो। तो रिचर्ड कहता है तेरी आह भी निकलवा दूंगा, तेरी चीखे भी निकलवा दूंगा, तुम ये गलत काम करती हो मुझे देखकर। तो एमलिन कहती है तुम भी तो मुझे नहाते हुए देखते हो, मुझे सब पता है बेटा। वहीं एमलिन रिचर्ड के सर पर नारियल फेंक के मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब वो उसे देखती है तो रिचर्ड उसे एक चाटा मारता है, चल झोपड़ी। वहीं रिचर्ड एमलिन के सारे कपड़े फेंक देता है, वो कहता है ये मेरा घर है तू निकल यहाँ से, जिसकी वजह से एमलिन को एक गुफा में रहना पड़ता है। अगले दिन एमलिन उसे भयानक सी मूर्ति को फूल चढ़ाने जाती है, क्योंकि वो उसे अपना गॉड मानती थी। और घर आते टाइम उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। जब रिचर्ड को एमलिन नहीं दिखती है तो वो उसके पास जाता है, वो एमलिन से पूछता है क्या हुआ। तो एमलिन कहती है कल घर आते टाइम मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिससे मुझे फीवर हो गया है। एमलिन को इस हाल में देखकर रिचर्ड को बहुत बुरा लगता है। वहीं एमलिन रिचर्ड से कहती है तुम मुझे उसी भयानक मूर्ति के पास ले चलो, वो मुझे ठीक कर देगी। उसकी बात मानकर रिचर्ड एमलिन को वहीं ले जाता है। थोड़ी देर वहीं आराम करने से एमलिन ठीक हो जाती है, जिससे रिचर्ड बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं खोना चाहते थे। एक दिन हम जंगल में रिचर्ड और एमलिन के फ्रूट खाते हुए देखते हैं, जहां रिचर्ड एमलिन को उस नजर से देखता है जो उसे चाहिए था। इसके बाद तो वो अपने आप से कंट्रोल खो देता है और एमलिन भी इस बार फुल साथ देती है, और दोनों दबा के संभोग करते हैं और करते ही रहते हैं, क्योंकि उससे पहले केला जो खा लिया था। एक दिन रिचर्ड और एमलिन रात में आपस में बात कर रहे होते हैं, तो रिचर्ड बोलता है क्या बात है तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। तो एमलिन कहती है कुछ नहीं। तो रिचर्ड कहता है बेटा मैं देख रहा हूँ तू मुझसे बातें छुपाने लगी है। तो एमलिन कहती है यार मेरे पेट में बहुत दर्द और हलचल सी हो रही है, लेकिन रिचर्ड को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। मैं बताता हूँ बेटा दबा के केले खाओ, जोर से टपकाओ और 9 महीने की सजा पाओ। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एमलिन का पेट और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं रिचर्ड जंगल में घूमने जाता है तो उसे वहां अपने जैसे आदिवासी दिखाई देते हैं, जो एक इंसान की बलि चढ़ा रहे होते हैं। और वो डरकर वहां से भागकर जब घर आता है तो वो एमलिन को एक बेबी के साथ देखता है। दरअसल एमलिन अब माँ बन गई थी। वहीं उसका बच्चा बहुत रोता है तो उन्हें लगता है कि इसको भूख लगी है, और वो दोनों उसे फल खिलाने लगते हैं। लेकिन भला वो बच्चा फल कैसे खाए, उसे तो मम्मी का मिल्क चाहिए। तभी एमलिन उसको गोद में ले लेती है और वो बच्चा एमलिन का मिल्क पीने लगता है। वहीं रिचर्ड एमलिन को आइलैंड के दूसरी तरफ जाने से सख्त मना करता है, और अब ये दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थे। एक दिन रिचर्ड के पापा शिप लेके वहीं से जा रहे होते हैं, और अपनी दूरबीन से वो रिचर्ड को देखता है, जिसे लगता है कि ये कोई आदिवासी है, और वो अपनी बोट को मोड़कर चले जाते हैं। वहीं रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देखा था, लेकिन अब उसका मन वापस जाने से बदल चुका था। इसके बाद रिचर्ड और एमलिन पुराने आइलैंड पर जाते हैं, जहां वो स्टार्टिंग में आए थे, और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। वहीं उन दोनों का बेबी अब बड़ा हो चुका था। वो एक जहरीली बेर को तोड़कर बोट में डाल देता है, और वहां से घर जाते टाइम रिचर्ड का बच्चा नाव की पतवार को नीचे समुद्र में गिरा देता है। एमलिन उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब रिचर्ड उस पतवार को लेने जाता है तभी उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में एमलिन नाव की दूसरी पतवार को भी शार्क पर फेंक देती है, और रिचर्ड बोट में आ जाता है। लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो तीनों समुद्र से कैसे बाहर निकले। तभी रिचर्ड के बेबी को भूख लगती है और वो वही बेर खा लेता है, जिसे देखकर एमलिन काफी डर जाती है। लेकिन अब क्या था, ये देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं हम भी ये बेर खा लेंगे। लेकिन वो देखते हैं कि इस बच्चे पर बेर का असर नहीं हुआ, वो तो बस सो रहा था। वहीं रिचर्ड के पापा बीच समुंदर में रिचर्ड की नाव देख लेते हैं, और वो लोग वहां पहुंचकर उन सभी को बचा लेते हैं।